नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, दुनिया न्यूज़ पर बगैर हेडलाइंस के मैं हूं तारिक मतीन और मैं हूं शाज़ी अकरम। आज की खबर यह है कि हमारे पास आज कोई खबर नहीं है क्योंकि हम मना रहे हैं ईद आपके साथ, ईद उमंग, दुनिया के संग। दुनिया के तमाम सितारे आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जिन्हें आप रोजाना टेलीविजन पर देखते हैं बड़ी बड़ी खबरें देते हुए, बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देते हुए, लेकिन आज ऐसा तारीख कुछ नहीं होगा। आज ये ट्विंकल ट्विंकल बिग स्टार्स जो हैं ये चमकेंगे जरूर, लेकिन जरा मुख्तलिफ ढंग में, जरा मुख्तलिफ रंग में, हल्के फुल्के अंदाज में नजर आएंगे। और इनकी ये चमक, इनके चमकने का, दमकने का ये ढंग हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे, इनसे बातें करेंगे, चिट चैट होगी, इनके साथ कुछ गेम्स भी खेलेंगे। हमारे मेहमानों का तारुफ आपसे कराएं, जुनैरा अजहर, ज़ाब्ता यही है कि मेहमानों का तारुफ तो ज़ाब्ता हयात करती हैं। अभी अकरम साहब नुक्ता नजर में, मुजीबुर्रहमान शामी साहब के बगैर आज मौजूद हैं, लेकिन इन्हें आप स्क्रीन पर देखते हैं और खूब आबोताब के साथ चमकते हैं। मेरे लेफ्ट साइड में बैठे हैं समी इब्राहिम साहब, किसी तारुफ के मोहताज हैं, रोजाना हम इनको मेरे साथ देखते हैं सुबह प्रोग्राम, खबर ये है कि उस प्रोग्राम में, और साथ उनके बैठी हैं हमारी एंकर नबीहा एजाज, और उनके साथ बैठी हैं जो रोजाना खबरें देती हैं हम सबको, इकरा शहजाद, और उनके साथ एक और बड़े स्पेशल मेहमान बैठे हैं मोहम्मद मालिक, जिन्हें आप देखते हैं दुनिया एट 8 विद मालिक प्रोग्राम में। अब करवाएं इंट्रोडक्शन अपने स्पेशल मेहमान का। और हमारे आप सब सुरीले हैं, लेकिन हमारे बहुत सुरीले मेहमान वारिस बेग साहब के हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब आपका, आपकी तशरीफ का बहुत बहुत शुक्रिया। तो शाजिया अब आज मुख्तलिफ क्या है, आज किस मुख्तलिफ अंदाज से आप शुरू करेंगे? आज हम अपने मेहमानों के साथ बातें तो करेंगे, लेकिन इनके साथ मजे मजे की गेम्स भी खेलेंगे, इनको डिफरेंट सिनेरियोस में लेके जाएंगे, इनको डिफरेंट सिचुएशंस बताएंगे, लेकिन उससे पहले प्रोग्राम का जो बाकायदा आगाज है अच्छी सी मौसीकी से, अच्छी सी आवाज से, अच्छी सी धुन से करते हैं, वारिस बेग का गाना सुनते हैं। जी वारिस, मैं समझा मेरा नाम लेने लगे। और ये कुछ
मजीद तालियां समी साहब के लिए, सबके लिए क्योंकि समी साहब जब हमारा प्रोग्राम होता है ना और म्यूजिक जब कोई भी प्रोग्राम का कोई प्रोमो चलता है, जरा सी म्यूजिक आते हैं तो रिकॉर्डिंग से पहले अच्छा डांस करते हैं, तो मैंने कहा प्रोग्राम में तो करते हैं, पहली बार देखा है आज आप हमारे एंकर्स को डिफरेंट अंदाज में देखेंगे, हल्के फुल्के अंदाज में देखेंगे। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, तारिक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। खुशामदीद कहते हैं आपको, हम बात कर रहे हैं अपनी इस ईद ट्रांसमिशन में, बकरीद की ट्रांसमिशन में, जिस पर हम बहुत ज्यादा गोश्त खाते हैं कि सबसे पहले आपसे कहेंगे आज का दिन आपने गुजारा है एतदाल से गुजारे इस बकरीद को और ये जो गोश्त हो रही है कम से कम की जाए, आराम आराम से खाएं। सेलिब्रिटीज की तारीफ तो हर कोई करता है लेकिन आज हम अपने मेहमानों को कुछ सेलिब्रिटीज के नाम बताएंगे, इन्हें उन सेलिब्रिटीज पर क्रिटिसाइज करना होगा, उन पर तनकीद करनी होगी। सबसे पहले समी साहब से मैं कहती हूँ, आपको अगर वीना मलिक पे तनकीद करनी है तो आप कैसे तनकीद करेंगे वीना मलिक पर? वीना मलिक का ख्याल क्यों? कोई भी सेलिब्रिटी है ना, कोई भी सेलिब्रिटी हो सकती है। नहीं, मैं सबसे बड़ा तो मुझे एतराज ही आता है कि जब भी कोई हम जैसा बंदा फोन करता है कॉल का जवाब ही नहीं देती। नहीं, आप कैमरे में देखिए वीना मलिक को, आप उनको मैसेज देना। वीना मलिक से यही कहूंगा कि आप जरूर फोन कॉल्स का जवाब दें और बस यही कहूंगा, फोन कॉल का जवाब दें, बाकी बातें सब फोन पर होंगी। बाकी खामियां भी हम उनको फोन पर बता देंगे। इकरा रहमान मलिक। इसमें पॉज होना चाहिए था। इकरा शहजाद। आपकी बदतमीजी परेशान कर रही हूं। इकरा रहमान मलिक। रहमान मलिक पर तंग। मेरा ख्याल है टाइज पे अब पैसे खर्च करना जरा बंद कर दो। ये तो आपकी तरफ से सजेशन जाएगी। मोहम्मद मालिक। मोहम्मद मालिक, इनसे आपको कुछ किसी शख्सियत का पूछ रहे हैं बारिश बेग के लिए? मुझे लगा कि इतने ईद के लिए नाम इन्होंने यूज किया। मैं मोहम्मद मालिक साहब से कहूंगी कि नवाब असलम रईसानी पे तनकीद कीजिए। नहीं हो सकती उन पर, नहीं वो तनकीद से बाला पे रहे हैं। अब जो मर्जी कह दे वो तनकीद नहीं होगी, कहेंगे तनकीद तो तनकीद होती है। तनकीद तो तनकीद होती है। तनकीद तो तनकीद होती है। वारिस बेग साहब, मीरा पे मेहमान है। हम मीरा पे घर में आज शाम मालिक साहब की बात सुने। मीरा पे। अच्छा, मीरा की तारीफ करनी है, तनकीद नहीं करनी। तनकीद करनी है। अच्छा, मुझे लगता है मीरा की बुराई नहीं करेंगे, वो इनके वीडियो में भी मीरा है, चांद छोरो का जो इनका मशहूर गाना है। लेकिन तब बहुत अच्छी थी। नहीं तो इनडायरेक्टली आपने कह ही दिया कि अब वो अच्छी नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये तनकीद तनकीद हो गई। वारिस बेग साहब, अगर आप एक हिल स्टेशन पे धुंध में एक हसीना का हाथ थाम कर चले जा रहे हैं, क्यों वैसे, और दूर दूर तक कोई दूसरा नहीं है और आपको एकदम से पता चले कि आपने जिसका हाथ पकड़ा है वो हसीना नहीं है, वो एक चुड़ैल है, तो फिर आप क्या करेंगे? समीर साहब ये सवाल करेंगे, आपने हसीना का हाथ पकड़ा है, उधर से आपकी बीवी चलती जा रही है। तो फिर तो चुड़ैल भी मुझे चुड़ैल ना लगती। अच्छा क्या करें? दोबारा फिर तो यहाँ एक गेम खेलने जा रहे हैं इन शख्सियात के साथ और वो गेम ये है कि हमारे पास एक अदद गिफ्ट है, इस गिफ्ट को हमारा एक मेहमान छुपाएगा, ये एक अजीब सा कॉम्बिनेशन है, और उसके बाद एक मेहमान की आंख पर हम पट्टी बांध देंगे, उसे एक मेहमान गाइड करेगा और एक इजाफा इसमें मैंने कर लिया है, एक मेहमान उसे कंफ्यूज भी करेगा हमारा, और उसके बाद वो गिफ्ट ढूंढने के लिए जब उसे गाइडेंस मिल रही होगी तो एक उसे लेफ्ट राइट गलत बताकर कंफ्यूज भी करने की कोशिश करेगा। तो मेरे ख्याल में हबीब अकरम साहब से स्टार्ट करते हैं। तारिक, आप हबीब अकरम साहब की आंखों पर पट्टी बांधेंगे, जुनैरा उन्हें गाइड करेंगी और ये मैं गिफ्ट लेकर जा रही हूँ मालिक साहब के पास और मालिक साहब इसे छुपाएंगे।
पट्टी बांधने के बाद गिफ्ट खुद चाहिए होगा, फिर क्या होगा? इनके लेके चला जाऊं आपकी आंखों पर ये पट्टी? अभी आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई तो नहीं है? आपके बराबर सुनहरा बैठी है, आपको दिखाई दे रही है? महसूस हो रहा है। दिल की आंख से देखें यार। अब आप खड़े हो जाइए। ठीक है, और आपको गुमराह करने का काम इतना करेंगी, आप इस वक्त पट्टी को मत छेड़ें। मुझे शामी साहब को देखने की कोशिश मत करें। इस वक्त गिफ्ट छुपा दिया गया है और इस तरह तैयार हो जाइए। टू थ्री एंड स्टार्ट। Towards your right and move straight. Left right नहीं है। Straight. बिल्कुल सीधा जाएं। Left right जाएं। Left right जाएं। Left right जाएं। Straight. ये गलत बात है। Gift लेने गाने अपने जाएं। हाथ आगे करें। हाथ आगे करें। ऊपर करके आगे करें। ऊपर करके आगे गान से गिर जाएंगे। ऊपर और ऊपर। Gift पीछे रखें। बिल्कुल front पे। ये क्या बात है? यहाँ तक जो आए जिस तरीके से हिट डिजाइन है, जिस तरह से वी डिड इट कहा है, तो सुनहरा अब डोरा का गाना वी डिड इट। चलो बैठा तो आता है बैठा वेरी गुड। अभी हम पहले ये तो फिक्सिंग थी। नहीं ये फिक्सिंग नहीं थी। ये मालिक साहब ने ठीक नहीं किया। अच्छा समी साहब से कुछ नहीं कह रही, उन्होंने गिफ्ट दे दिया, आपने तो उनके हाथ में पकड़ा दिया। बात सुने, वो प्रोग्राम डायरेक्टर है, मैंने चैनल में नौकरी कर ली। रिश्वत मिली आपको पता है? अच्छा, हमने इनसे सवाल किया था वारिस बेग से कि वो चुड़ैल मिले, क्या कहे, आपकी क्या हालत हो। चलो अच्छा, वो इनका जवाब जो था ना, हंसी मजाक में उड़ गया था। हाँ, वो टीवी नजर आएगा नहीं आएगा। चलो चुड़ैल के लिए अगर कोई गाना गाना पड़ जाए तो कौन सा गाना गाएंगे वारिस? मुझे ये नहीं पता वो साथ चुड़ैल है, इसलिए उसमें गाना जरूर मैं गाना तो आपको सुनाते हैं गाना। आई होप आपको अच्छा लगे। चुड़ैल के लिए आपके पास आगे सुना। चुड़ैल के लिए गाना और वारिस बेग आपके पास आगे। वाओ ग्रेट, ये गाना चुड़ैल जबरदस्त।
वारिस के बाद कोई इतना अच्छा गा तो नहीं सकता, लेकिन दिल चाह रहा है कि आप लोगों से भी थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ सुना जाए, प्लीज। और हम इसको पता क्या कहते हैं, रंग में बंगड़ा। हाय नबीहा, बहुत बुरा गाती हूँ। कुछ नहीं होता। अच्छा, जीवे जीवे पाकिस्तान। अच्छा, मैं गुनगुनाती हूँ। मेरी जिंदगी में आए हो और ऐसे आए हो तुम, जो मिल गया है सांसों को वो गीत लाए हो तुम। हो 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 वाओ, हो 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 हो, आपने बहुत बड़ी सुर में की। अच्छा, मैं आपको एक फरमाइश करता हूँ, पंजाबी का गाना है उसको गा के सुना दे, मैडम नूरजहां का। उसका बोल है, मैं डिग पत्थर नाम करके। थोड़ी सुर तो बता दे। नहीं नहीं, सुर आप, यही तो है बात, सुर आप बना दे, कोई भी सुर बना दे, मैं डिग पत्थर नाम करके। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद ये नमकीन गुफ्तगू, ये चटपटी गुफ्तगू बकरीद की, बकरीद के मजे के साथ जारी रहेगी। انت حياتي انت نصيبي او ميري مولان انت حبيبي خوشیوں سے مہکی مہکی دیکھو یہ فضا جس کی ہواؤں میں چھلکے ہے نشہ ان وادیوں میں ہم تم کھو جائیں پیار میں دیوانے ہم تم ہو جائیں انت حیاتی انت نصیبی او میری نور العین انت حبیبی انت حیاتی انت نصیبی او میری نور العین انت حبیبی मुबारक। और समी साहब आपको मेरी तरफ से बार बार मुबारक। समी साहब से पूछे इनकी नूरुलिन कॉलेज में झूम झूम के डांस कर रहे हैं। वो जिस तरह से अंत हयाती अंत हबीबी चल रहा था, मुझे लगता समी साहब बार बार कह रहे होंगे आमीन आमीन आमीन। अभी जब शाजिया कह रही थी ना कि दुनिया के सितारे, तो मेरे जहन में आ रहा था, मैं अपने बारे में सोच रहा था और नाम आ रहा था दुमदार सितारा। अच्छा, ये सिर्फ आपके जहन में नहीं आ रहा था, हमारे जहन में भी आ रहा था। अच्छा, मैं आपकी बात बड़ी संजीदगी से सुनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये जो बारबी क्यों की खुशबू आ रही है ना, अपने मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रही है। ये पट्टी एक बार फिर मेरे हाथ में है, जैसे हम किसी शख्सियत की आंखों पर दोबारा बांधेंगे, प्रोवाइडेड कि उसकी आंखों पर पट्टी पहले से ना बंधी हुई हो। लेकिन उससे पहले एक सिचुएशन है जी हबीब अकरम साहब के लिए, सिचुएशन क्रिएट की जाए। इस सिचुएशन में भी आपकी आंखों पर मानने के पट्टी बंधी हुई है या पट्टी खुल रही है, आपको एक डिनर पे जाना है एक शख्सियत के साथ, आप किस जगह जाएंगे? शख्सियत का नाम है वीना मलिक। ज्यादती है ना, ज्यादती है ना, तनकीद मुझसे करवा ली और डिनर पे उनको भेज रहे हैं। यकीन नहीं आ रहा, सच बताओ उन्हें यकीन नहीं आ रहा। मैं डिनर पे नहीं जाऊंगा। कहाँ जाएंगे? लॉन्ग ड्राइव पे कहाँ जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे? अच्छा, जितना मैं इनको जानता हूँ ना, ये लेके जाएंगे लॉन्ग ड्राइव में, वीराने में जाके गाड़ी बंद कर देंगे। उस लॉन्ग ड्राइव में भी इनकी आपको पट्टी बंदी। अगली सिचुएशन मेरे पास है इकरा शहजाद के लिए। इकरा, आप एक कश्ती में हैं, ठीक है, और आपके साथ आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल, आपका आईपैड और आपका एक बेस्ट फ्रेंड है, और आपको एक एक करके इन तमाम चीजों को फेंकना है, वरना जो आप कश्ती है ये डूब जाएगी। तो किस तरतीब से आप इन चीजों को पानी में फेंकेंगे? पहले थोड़ा वजन हल्का करते हैं ना कश्ती का, उसको बेस्ट फ्रेंड को फेंक देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा और वेट लैपटॉप को फेंक के। अच्छा, आईपैड और मोबाइल गिराना जरूरी है। सबसे ज्यादा प्यार किस चीज से है? वो चीज
आजकल के जमाने में तो मोबाइल कहते हैं आप फ्रेंड नॉट इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड। सिचुएशन का सलूशन एक ये भी है कि कश्ती अगर बच जाए और सारी चीजें भी अगर इकरा खुद पानी में कूद जाए ये बेस्ट फ्रेंड है आपका बेस्ट दोस्त है और ये भी वो बेस्ट फ्रेंड है सबसे पहले अपने फ्रेंड को पानी में बस आप तो फिर मुझे कश्ती में दबिए बस। अगली सिचुएशन है मोहम्मद मालिक के लिए, अगर आपको फिरदौस आशिक कवान अपने साथ बाइक पर पिकनिक पर जाने को कहें तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? मौत के कुएं में। बाइक तो भाई क्यों ऐसी में क्या बात है कि मौत के कुएं में चले बाइक चलेगी बाइक तमाम हैवी बाइक भी हो सकती है वो तो हो ही जाएगी इट हैज टू बी अ हैवी बाइक पूरे बाइक है ठीक है मौत का कुआं ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं फिरदौस आशिक वान बाइक चला हैज एन एक्सीलेंट सेंस ऑफ ह्यूमर यकीन माने कि आई वुडंट माइंड गोइंग ऑन अ बाइक राइड विद हर बिकॉज़ वो भी हंसेंगी मैं भी हंसूंगा शी हैज एन एक्सीलेंट सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ी दलेर खातून है मैं आपको बताऊं बड़ी दलेर खातून है उनकी सेहत देख के अंदाजा होता है वो हर वक्त हंसती रहती है नहीं दलेर खातून है मैं आई रियली लाइक हर दलेर खातून है। गिफ्ट नजर आ रहा है तारिक मुझे और मुझे पट्टी बांधनी है वारिस की आंखों पर पट्टी बांधनी है मोहम्मद जो मालिक हैं ये इन्हें गाइड करेंगे और बाकी हम और सब लोग मिस गाइड करेंगे बस ये फिर मुझे पानी में फेंकेंगे और कुछ नहीं ये तो आपके ताल्लुकात पे डिपेंड करता है और आपको चुड़ैल मिस गाइड करेगी पुराने दोस्त हैं मेरे अंदाजा हो रहा है किस तरह की दोस्ती रही है आप छुपाएंगे अब आप खड़े हो आप चुड़ैल की जगह एक जिन का हाथ थामे और ये आगे कुछ पड़ा हुआ ध्यान से ये तो आपने मच्छर की पाकिस्तान पे चक्कर दे रही है और ये आप बोले ना आपको ये गिफ्ट कौन छुपाएगा छुपा हुआ है ना छुपा आप छुपा लें आपको कोई भी गाइड नहीं करेगा आपको गिफ्ट ढूंढ लीजिए मोहम्मद मालिक गाइड करेंगे One, two, three. Left, left, left. No, 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 no,
तो वो उनका जो बाल है ना वो उड़ के यूं सामने आ गया चेहरे पे। अच्छा अब मैं उनको इशारा वो कर रहा था कि ये बाल आप हटा दे, क्योंकि वो पहले तीन सेंटेंसेस ठीक बोल चुकी थी, आखिरी सेंटेंस था तो, लेकिन बाल की वजह से खराब हो रहा था। अब वो बात करते करते तो वो जब शॉट दे रही है तो कहती है आप कर दीजिए ना। और वो बिल्कुल आपने कर दिया। 6 मिनट रह गए बुलेट में। सम्मी साहब वैसे ये दोबारा मोमेंट नहीं है, ये रोमांटिक। आप तो बड़े खुश हो रहे हो। पूरे शो की जानों का जुमला दोबारा। मीरा ने कहा कैसे था? मैं आपको बता देता हूँ दोबारा। उनको इशारा किया कि यू पीछे कर लो, तो वो यू बात कर रही थी करते करते ना, तो यू खुद कर दी। मारी सब embarrassment तो नहीं, लेकिन फनी था। एक बार हम प्रोग्राम एक रिकॉर्ड कर रहे थे, एक बड़े रिलीजियस लीडर थे, तो एक लाइन पे एक और शख्स भी थे हमारे साथ, तो उनके एयर पीस में बहुत ज़्यादा एकदम आवाज़ ऊंची हो गई ना, तो एकदम वो पंजाब की एक बड़ी मशहूर गाली है और क्या ऑर्डर चली गई? नहीं वो शुक्र है रिकॉर्ड कर रहे थे, तो इट वाज अ कैंट प्रोग्राम। तो वो जो द फनीस्ट था कि किसने कहा, मैं नाम ही ले सकता, किसने कहा और कैसे कहा, तो काफी एक रूहानी मोमेंट था। ये बताने की जरूरत नहीं कि क्या कहा, वो काफी एक रूहानी मोमेंट था। जिस अंदाज से तमीज बांधी थी ना, वो पता चल गया था कि क्या हुआ। यहां पर वक्त है एक ब्रेक का, तारिक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं अपने दुनिया के इन सितारों के साथ। नबीहा ने नकल उतारनी थी मीरा के लिए, लेकिन नबीहा कहती थी मैं वीना मलिक की नकल ज्यादा अच्छी करेंगी। कोशिश चले, चलो चलो। अच्छा मैंने एक बार यूनिवर्सिटी में उतारी थी, काफी अच्छा हो गया, लेकिन मैं भी दोबारा कोशिश कर सकती हूँ। तो ये तब की बात है जब वीना मलिक इंडिया से बिग बॉस के बाद वापस आई थी और कामरान शाहिद के प्रोग्राम में वो मिली थी, तो मैं उसकी एक्ट मतलब करने की कोशिश कर रही। भारत में मुझे सब लोगों से बहुत प्यार मिला, मैंने भी सबको बहुत प्यार किया। आश्विक का मैंने फुट मसाज भी किया, घर में दो लोग मुझे बहुत अच्छे लगे, दोनों ही नौजवान लड़के थे। बट वाई मुफ्ती साहब, वाई मीना मलिक? क्यों? क्योंकि मैं एक लड़की हूँ इसलिए? पहले मुफ्ती साहब आप अपने आप को तो देख लें। लेकिन ट्रूथ वो आप नहीं बताना चाहेंगे, ताजा तरीन मोहब्बत के बारे में बताएं। ताजा तरीन मोहब्बत के बारे में, और अगर वो बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, अगर वो घंटों पुरानी है तो ना बताएं। आप चाहते हैं मैं घर चला जाऊं? ईद पे तलाक? अगर वो घंटों पुरानी है तो ना बताएं। वो मालिक मैंने सही कहा कि ईद पे तलाक नहीं होनी चाहिए। बता दी झूठ बोल दो। मुझे तुमसे मोहब्बत है दीवानगी की हद तक। अगर आप मुझे देख के कह रहे हैं तो झूठ ही कह रहे हैं। Well noted. गिफ्ट चाहिए, गिफ्ट चाहिए। बताइए तारिक की आंखों में पट्टी कौन बांधेगा? वैसे ही बंधी हुई है। इनके आने को उतार बस काफी है। सभी साहब ने जो आइडिया दे रखा है। चले पट्टी। हाँ जी आपको नजर आ रहा है? मुझे नजर आ रहा है, मेरी आंखों के आगे अंधेरा है, ये अंधेरा मुझे नजर आ रहा है। ज्यादा टाइट तो नहीं है? के कान भी बंद हो गए। तो सब तो बिल्कुल नजर नहीं आएगा। तो हम उन्हें गुमराह कैसे कर सकते हैं? इससे अच्छी जगह मैं गाइड करूंगी ना। तो इन्हें चक्कर कौन देगा? चलें चक्कर कौन देगा? घुमाएगा कौन? अभी सब आप ही घुमा सकते हैं। इसके लिए तो बाहिमत इंसान चाहिए। जी आइए आइए। मैं अब तारिक के साथ साथ माशाल्लाह इतना वजन है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं घूम पा रहा। आप खुद घूम जाइए। अच्छा तारिक बस स्ट्रेट रहो। नहीं नहीं अभी अभी तो घुमाना ही खत्म। अभी तो घुमा रहे हैं वो। ये ना उनको चक्कर आ जाए, नीचे गिर जाए। नहीं तारिक लेफ्ट हो जाओ। राइट गलत बता रहा है। राइट 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 हो जाओ।
ये इतना इससे ज्यादा ये तो फिर ये तो सीधी सी बात है, ये तो फिर आप इसके हाथ में सफेद छड़ी दे रहे हैं इनके घर पे घर के एड्रेस पे भेज देते हैं। ये इन एंकर्स ने आप हाथ क्यों कर रहे थे तो मैंने कहा हबीब साहब से 5 रुपए कर लो। तारिक ये गिफ्ट आधा आधा है, गिफ्ट आधा आधा। वैसे अगर अगर खुदा ना खास्ता दुनिया वाले कभी आपको निकालें तो बसों के अंदर आपका एक अल्टरनेट करियर का। प्रोग्राम का वक्त हो गया तारिक, बहुत मजा आया हमारे मेहमानों से बात करने का। मालिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप इस्लामाबाद से आए हमारे इस प्रोग्राम के लिए, आपका बहुत शुक्रिया। नबी आपका बहुत शुक्रिया, समी इब्राहिम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और आप भी, आप सबका शुक्रिया, और वालिद साहब आपका सबसे ज्यादा शुक्रिया। नहीं नहीं, आपने हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिया। आपका शुक्रिया, ये लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि इकरा का, नबीहा का, जुमेरा का और मेरा शुक्रिया तो खुदा हाफिज़। आपको ढेर सारी ईद मुबारक, खुश रहिए और लोगों को भी खुश रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। लेकिन जाने से पहले वारिस बेग का एक भंगड़ा सब मेहमानों के साथ स्टार्ट होगा। मालिक भाई, मालिक।